इस पे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा। मेडिकल स्टोर पे किसी को ये नहीं पता होता है कि ये फ्लू है या बैक्टीरिया किस टाइप का है, दवा मुझे किस टाइप की देनी चाहिए। अब उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों में क्या रहता है कि उनका उनको बोलेंगे भैया आपकी आँखें लाल हों तो उससे दूर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे एक दूसरे को टच जरूर करेंगे। दूसरी चीज है कि बच्चे जब घर से जाएं तो स्पेक्स यानी कि अपना चश्मा जरूर लगा के जाएं। उनको थोड़ा सा बोले कि अगर किसी फ्रेंड के आपके है तो उससे थोड़ी डिस्टेंस बना के, ये पर्सनली कह रहे हैं कि हमारी तरफ से उसकी फीस पूरी माफ है, पूरी माफ है, हाँ कोई फीस नहीं लगेगी। कबीर न्यूज से अगर वो कहता कि मैंने सर आपको न्यूज में देखा है तो मैं आपकी इस बात को पूरा ध्यान में रखते हुए कि एक भी फीस नहीं लगेगी उसकी, कुछ भी फीस नहीं। दवाइयों में 10% लेस रहेगा, बाद बाकी चश्मे में करीब 20% चश्मे भी बनते हैं। और अगर आपको कहीं धुंधला पास का दूर का नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंखों की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप आके सर से एडवाइस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइए आप यहाँ पे कितने टाइम पे रहते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में, मैं हूँ जितेंद्र कमल। बारिश का मौसम चल रहा है और आप अक्सर पेपर्स की हेडलाइंस में ये देख रहे होंगे कि बच्चों में और बुजुर्गों में और बड़ों में नौजवानों में आई फ्लू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं हूँ इसी कड़ी में कल्याणपुर में और मैं दिखाऊंगा कि देखिए ए स्टार ऑप्टिकल्स के सामने हूँ और यहाँ पे डॉक्टर अजय चौहान जी हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं और हम इनसे ही बात जानेंगे चल के कि भाई ये आई फ्लू होता क्यों है और इस मौसम में ही इतना ज्यादा क्यों प्रकोप में रहता है। और डॉक्टर अजय जी से भी जानेंगे कि कैसे हम इसका बचाव करें, क्या कुछ घर में और क्या कुछ जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके साथ ऐसे हम क्या क्या चीजें भेजें और कैसे सावधानी बरतें कि वो इससे दूर रहे। तो चलते हैं अंदर, बात करते हैं डॉक्टर अजय जी से। ये इनका क्लिनिक है, ये क्लिनिक ही मान सकते हैं और आपको कि डॉक्टर है तो क्लिनिक है, चश्मा भी यहाँ बनता है। कल्याणपुर में भी अगर कहाँ दिखा जो सौरभ से कहूँगा पीछे जरा एक बार दिखा दीजिए, सुखदेवी धाम है उसके जस्ट सामने है, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके जस्ट सामने ये दुकान है। मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी कल्याणपुर क्रॉसिंग से। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये खूबसूरत सा उनकी शॉप है और क्लिनिक है। डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसे हैं? एक बार फिर आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है लेकिन थोड़ा सा दौर थोड़ा कठिन है। बैठ जाए डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, स्वागत है आपका कभी न्यूज़ सेवा के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम लोग आए हैं आपसे बात करने के लिए आई फ्लू को लेकर, आप आई विशेषज्ञ नेत्र विशेषज्ञ हैं, तो हमने कहा सबसे पहले आपसे परामर्श ली जाए क्या ये चल रहा है और बच्चे हो चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग लगभग सभी फ्लू से ग्रसित है इस समय पे और कानपुर में तो बहुत तेजी से चल रहा है। तो क्या होता क्या है ये आई फ्लू बेसिकली, वो जरा बताइए। देखिए आई फ्लू एक टाइप का संक्रमण है और इसमें क्या होता है, गर्मी और सर्दी जो आजकल ये बारिश का मौसम होता है, इस बारिश के मौसम में मोस्टली ये फ्लू होता है। लास्ट कई साल से नहीं आया लेकिन इस बार इसका फ्लू का बहुत ज्यादा असर है और फ्लू में लोग बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इस संक्रमण से बहुत ज़रूरी है कि बचना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे लास्ट टाइम देखा होगा कि कोरोना हमारे यहाँ आया हुआ था, तो ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा है कि वो इस बार नहीं है लेकिन एक नया रूप आ गया संक्रमण में आ गया। तो संक्रमण में विशेष ध्यान रखना है कि ये छूने से ज़्यादा फैलता है, एक दूसरे के टच में फैलता है। अगर एक फैमिली में किसी को हुआ है तो डेफिनेटली दूसरे को जरूर होगा। जैसे लोग छोटे चिकन पॉक्स जैसे चीजें हैं लगभग, जी 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 बिल्कुल। और इन संक्रमण से अब क्या होता है कि जैसे बच्चे हैं स्कूल से किसी से आप संक्रमण करके आए, टच हो गया भाई, एक दोस्त दूसरे दोस्त का टिफिन ले लिया, टच कर लिया या उसने उसको गाल से छुआ, उसके बाद वो घर में आया, घर में उसने अपना बैग रखा, मम्मा ने उसकी बैग लिया, बैग उठा के कहीं दूसरी जगह रखा, वो हाथ उन्होंने अपने फेस पे टच कर लिया, पता चला कि एक दिन बाद मम्मा को हो गया। तो ऐसे संक्रमण फैलने का एक साइकिल, वो मम्मा से डैडी को हुआ, डैडी से किसी उनके उनके फ्रेंड को हुआ,
तो एक ये साइकिल है, ये पूरा संक्रमण इसी तरीके से फैलता चला जा रहा है। मन में बहुत दिन से ये क्वेश्चन कौन रहा है कि ज्यादातर ये बच्चों को ही क्यों हो रहा है, घरों में तो इतना, चाहे मेल हो फीमेल हो एडल्ट हो, उनको ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन बच्चों पे बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है। नहीं देखिए, बच्चों पे अटैक इसलिए ज्यादा करता है कि बच्चों पे अटैक होने का सबसे बड़ा कारण है कि देखिए बच्चे उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं करते। क्या हुआ, बच्चे अपनी दिनचर्या में आए हैं, खेल रहे कूद रहे हैं, उसके बाद फिर अपना हाथ टच कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे आए बाहर से वापस हैंड वॉश करें। तो हमारी ये गुजारिश है घर में जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को हैंड वॉश प्रॉपर ढंग से कराएं, सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, सैनिटाइजर के यूज करेंगे तो हाथ में जो भी बैक्टीरिया रहता है, जो बच्चे एक दूसरे को टच करते हैं, वो पूरा सैनिटाइज कर लें, और इससे जो है घर में और दूसरे लोगों को नहीं फैलेगा। बच्चे जैसा आप कह रहे हैं कि स्कूल जाते हैं तो वहां से हो सकता है किसी को हुआ हो, दूसरे को होके वहां से वो संक्रमण लेके घर आ जाते हैं, तो ये आप बच्चों के पेरेंट्स को ऐसे क्या सलाह देना चाहते हैं कि जब घर से जाएं बाहर स्कूल के लिए जाएं, खेलने के लिए जाएं, तो ऐसा क्या उनको समझाएं, क्या कुछ ऐसा दें कि ये प्रिकॉशन करना है, ये लेके जाइए, वहां से संक्रमण ना आ पाए। देखिए बच्चों को आप समझाइए लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। आप उनको बोलेंगे अपने दोस्त की आंखें लाल हों तो उसे दूर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे एक दूसरे को टच जरूर करेंगे। दूसरी चीज है कि बच्चे जब घर से जाएं तो स्पेक्स यानी कि अपना चश्मा जरूर लगा के जाएं। उनको थोड़ा सा बोले कि अगर किसी फ्रेंड के आपके है तो उससे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, उनको टच ना करें। स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें, जिस बच्चे को संक्रमण है उसको स्कूल में रोकने के लिए, आने के लिए उसको मना कर दें, उसको छुट्टी दे दें कि आपका संक्रमण जब ठीक हो जाए तब आप वापस स्कूल ज्वाइन करें। ये सबसे अच्छा तरीका है चैन प्रक्रिया तोड़ने का, ठीक है। चैन प्रक्रिया जब तक आप नहीं तोड़ेंगे संक्रमण बढ़ता जाएगा। घरों में अक्सर होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में हो या जो पुअर फैमिलीज में होता है, किसी के यहाँ भी देखते हैं हम लोग, टॉवल्स जो होती हैं वो एक या दो, बहुत ज्यादा दो, इससे ज्यादा नहीं होती, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है टॉवल अगर किसी संक्रमण व्यक्ति के ले रहे हो और घर में टॉवल अलग कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि टॉवल क्या है, होता है ना कि देखिए अब क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली हर बच्चे के लिए या फैमिलीज में अलग अलग टॉवल नहीं रख सकते, अब उनके लिए बस यही तरीका है कि जो भी टॉवल वो यूज करें या उनको कोई नॉर्मल कपड़ा दे दे, गमछा दे दे, मम्मा वगैरह घर में होते उनके दुपट्टे होते, एक व्यक्ति को एक ही चीज यूज करवाए उसके बाद उसको क्लीनिंग के लिए डाल दें, ये सबसे अच्छा तरीका है बचाव इस मौसम में, खासकर इस मौसम में। अच्छा, ड्यूरेशन क्या रहती है इस संक्रमण की, क्या, क्योंकि बहुत से लोग कहते आती है किसी की आंखें आ जाती है, जैसे अक्सर गांव में भी बोला जाता है कि आंखें आ गई हैं, रेडनेस को बोलते हैं आंखें आ गई हैं, उनके पास नहीं जाना है, तो इसका कोई ड्यूरेशन तो होता होगा ना कि इतने दिन में सही हो जाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 से 7 दिन लगता है, 5 से 7 दिन लगता है। अपने किसी भी नजदीकी आई फिजिशियन से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें, और परामर्श लेने के साथ वो उनकी दवाई देंगे, दवाई देने से बाद 5 से 7 दिन लगते हैं संक्रमण बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बच्चों के लिए आपने एडवाइस दी कि हर चीज अलग रखिए, स्पेक्स लगा के, ये बड़ों बुजुर्गों को अगर किसी को होता है, नौजवान को किसी को हो जाता है, क्योंकि वो भी हम जैसे लोग जो वर्किंग फील्ड में हमेशा रहते हैं, तो आई कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि भारी चश्मे या कलर चश्मे यूज करना चाहिए, तो जो हम लोग जिस तरह से यूज करते हैं, जैसे आपने कहा आई कॉन्टेक्स्ट होता है, तो क्या हम लोगों को भी हो सकता है, जैसे आपकी अगर फ्लू हो और मैंने अगर देखा तो बस ये लेयर काम करती है या उसकी कोई रेडनेस ऐसा कुछ काम करती है? नहीं नहीं, लेयर काम करती है, चश्मा आपने लगाया है, लेयर काम करती है। अब डार्क चश्मे का मतलब जैसे किसी को क्या होता है एक्यूट फॉर्म में हो गया, एक्यूट फॉर्म वाले को क्या हो, धूप बहुत चुभेगी तो उसको क्या होता है करकराहट रहती है आंखों में, खुजली होने की, तो उसमें क्या होता है डार्क चश्मा थोड़ा सा ये है कि धूप उसको चुभेगी, इसलिए थोड़ा सजेस्ट करते हैं कि आपको एक्यूट हो गया तो आप जो है धूप वाला चश्मा, डार्क वाला चश्मा लें, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट सफिशिएंट, जस्ट लाइक हेलमेट, जैसे हेलमेट में शीशा डार्क भी होता है वाइट भी होता है, लेकिन हमारे लिए सेफ्टी दोनों करते हैं, बस मोस्टली सेफ्टी चाहिए। कल्याणपुर में है आप और हम जानना ये चाहते हैं कि बहुत फैल भी रहा है, तो अब अक्सर लोग मेडिकल स्टोर में जाके दवाइयां ले आते हैं, कहाँ तक कितना सही है कि मेडिकल स्टोर में बिना पूछे
बिना बताए बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस से क्या दवा लेनी चाहिए, वो भी आप जैसे सेंसिटिव पार्ट की? जी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैं इस पे बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, मेडिकल स्टोर पे किसी को ये नहीं पता होता है कि ये फ्लू है या बैक्टीरिया किस टाइप का है, दवा मुझे किस टाइप की देनी चाहिए। अब उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों में क्या रहता है कि उनका भैया आँख लाल हो गई, एक दवाई उठा के दे दी, वो दवाई नुकसान करेगी या फायदा करेगी पेशेंट को नहीं पता होता। ठीक हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं ठीक हुई तो फिर वो केस और बिगड़ जाता। तो इसलिए कोशिश है लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे, लोग इसके लिए अवेयर हों, जाने कि आँख के डॉक्टर को ही दिखा के आँख की दवा, आँख के डॉक्टर को दिखाना जरूर, क्योंकि बहुत पार्ट सेंसिटिव होता है। तो हम ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब ये ए स्टार ऑप्टिकल है, यहाँ पे आपके नजर के चश्मे भी बनते हैं जी। और अगर आपको कहीं धुंधला पास का और दूर का नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंखों की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप आके सर से एडवाइस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइए आप यहाँ पे कितने टाइम पे रहते हैं, क्या टाइमिंग है आपके पास विजिट करने की, लोग आए और आपसे एडवाइस? जी जी बिल्कुल, मेरा यहाँ पे आने का टाइम दोपहर 2 बजे से, सॉरी दोपहर 2 बजे से और शाम को 9 बजे तक है। रात सुबह का टाइम मेरा उन्नाव परियर में रहता है, परियर में मेरा कुंती देवी आई केयर सेंटर नाम से है, वह वहाँ 10:30 बजे से और 1 बजे तक वहाँ मिलता हूँ। 10:30 से 1 बजे तक परियर उन्नाव में जी जी। के बाद यहाँ कानपुर से कानपुर में से और किसी हॉस्पिटल में जाते हैं कानपुर? कल्याणपुर के मोस्टली करीब 50-60 हॉस्पिटलों में जाना ही रहता है, और चांदनी में भी जाता था पहले, अभी हालांकि नहीं जा रहा हूँ, छोड़ रखा है। तो अभी ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे संडे में पूरा दिन रहता हूँ, संडे सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, सैटरडे थोड़ा शाम को इवनिंग में ऑफ रहता है मेरा, पर्सनली सेंटर खुला रहता है, अदरवाइज पूरा ऑफ रहता है। देखिए आप एडवाइस भी करते हैं सारी चीजें, किसी को नजरें कम है तो चश्मा भी, तो काफी न्यूज के दर्शकों के लिए कुछ दे सकते हैं कि आपको जब वहां देखें इसके बाद क्या उनको छूट रहेगी, 5% 10% देख के आए तो कम से कम? नहीं नहीं कबीर दिवस से अगर पेशेंट, हम आपसे ये पर्सनली कह रहे हैं कि हमारी तरफ से उसकी फीस पूरी माफ है, पूरी माफ है, हाँ कोई फीस नहीं लगेगी। कबीर न्यूज से अगर वो कहता कि मैंने सर आपको न्यूज में देखा है, तो मैं आपकी इस बात को पूरा ध्यान में रखते हुए कि एक भी फीस नहीं लगेगी उसकी, कुछ भी फीस नहीं। दवाइयों में 10% लेस रहेगा, बाद बाकी चश्मे में करीब 20% लेस। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ने आपको बहुत रियायत दी है, वीडियो देखिए बताइए और आइएगा यहाँ पे, और इसके बाद आपको फीस तो पूरी माफ कर दी डॉक्टर साहब ने, और बाकी पे 10% दवाइयों पे, और आप अगर चश्मा बनवाते हैं तो वहाँ भी 20% की छूट रहेगी। ईमानदार है, मुझे मालूम है आपको बढ़ा के रेट नहीं बताएंगे। और तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा बात करके, आप अपने आई फ्लू को काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया, बच्चों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, सभी के लिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपका, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, कबीर न्यूज पे इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एक बार फिर से पुनः आग्रह करूंगा, लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, और इससे फ्लू से थोड़ा सा खतरनाक भी है, इससे थोड़ा बचाव रखने की ज्यादा मोस्टली ऐसा है कि लोग इसको कहते लाल है ठीक है ऐसा कर लें, लेकिन हल्के में ना लें किसी, क्योंकि आँख शरीर का बॉडी का सबसे अनमोल चीज। मतलब एक क्वेश्चन रह गया है, बहुत से लोग जैसे आपके पास नहीं आ पाते, वो सुदूर गांव में है, बहुत दूर है यहाँ से, तो कुछ तो ऐसे आई फ्लू की कॉमन कोई एक दवा हो सकती है जो आपके पास नहीं आ सकते हैं लेकिन वहां पर वो परचेज कर सकते हैं किसी के पास, ऐसा कुछ हो तो एडवाइस करें, दूर बैठे हैं वो कम से कम मेडिकल स्टोर वाले नहीं, कम से कम एक आपसे तो एक्सपर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि उन लोगों से कि एक दवाई आती है मॉक्सीफ्लॉक्सासीन आई ड्रॉप लें, हर 2-2 घंटे में डालना स्टार्ट कर दें, एंटी एलर्जिक में थोड़ा सा कोई एक टेबलेट ले लें, मेडिकल स्टोर वाले से बोलें एंटी एलर्जिक कुछ दे दें, और मुझे लगता है कि वो सेफ दवाई, बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान नहीं उसका, कोई साइड इफेक्ट, तो वो दवाई लेके वो अपना डालना स्टार्ट कर। तो ये डॉक्टर चौहान जी हमारे साथ है, आई विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ हैं, और हमने आई फ्लू पे बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं, प्रिकॉशन बताई किस तरीके से हमें, और बच्चों के लिए भी खास कर इस तरह के प्रिकॉशन लेना है आई फ्लू से बचने के लिए, पूरा ड्यूरेशन बताया कि 5 से 7 दिन तक शायद ये संक्रमण रहता है आंखों में, और एडवाइस भी दी है कि बहुत से जो हमारे दर्शक दूर हैं
और नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पर विजिट नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ कल्याणपुर, हालांकि बहुत दूर नहीं बहुत से गाँव से, लेकिन अगर नहीं कर पा तो दवा भी सजेस्ट करिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा और उसको लगा के फायदा उठा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, शुक्रिया बहुत।